यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रत्येक ऐसे युग में इस सृष्टि पर अवतरित होता हूं। यहां पर यह बात विचारणी है कि अति धर्मग्लानी का समय द्वापर युग है या कलयुग, क्योंकि जब परमात्मा ने अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना कर दी तो निश्चित ही उसके उपरांत श्रेष्ठ दैवी संपदा युग आना चाहिए। लेकिन सृष्टि चक्र के अनुसार देखें तो और ही घोर पापाचार जनसंख्या वृद्धि का समय कलयुग आ गया। यहां पर समय चक्र के आधार पर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति के पांच तत्व जिनसे शरीर और अनेक पदार्थ निर्मित हैं वे सभी सतो रजो तमो तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। अर्थात हर प्रकृति जनित वस्तु पदार्थ नए से पुराना होता है और प्रकृति का प्रभाव पुरुष अर्थात आत्मा पर भी उसी क्रम में निश्चित रूप से आता ही है। युगों के चक्रों को आप देखें, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग। आयु की अवस्थाओं का चक्र देखें, बाल्यावस्था युवावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था। दिन के प्रहर का चक्र देखें, सुबह दोपहर शाम रात्रि। इस प्रकार ये सभी क्रमवार सतो रजो तमो तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं और सभी की अंतिम अवस्था थकान एवं अंधकार युक्त होती है। अतः अति थकान व अति अज्ञान के समय पर ही ज्ञान व विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए यह तर्क संगत भी है कि इसी समय गीता के भगवान द्वारा गीता ज्ञान से कलयुगी अज्ञान अंधकार को समाप्त किया जाता है और आत्मा अपने घर परमधाम विश्राम के लिए आरोहण करती है और पुनः सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में जीवन यात्रा आरंभ करती है। इसी संदर्भ में भक्ति मार्ग में भक्तों ने भगवान से प्रार्थना भी की है, असितो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृत गमे। इस प्रकार गीता ज्ञान देने का समय कलयुग का अंत और सतयुग के आने से पूर्व का समय ही हो सकता है, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। अभी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गीता ज्ञानदाता कौन है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भगवान या परमात्मा शब्द दैहिक रूप का परिचायक नहीं है बल्कि निराकार रूप का परिचायक है। गीता का भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मैं निराकार हूं, मुझे इन चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देखा जा सकता। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है,
मुझे कोटों में कोई कोई में कोई पहचानता है। मैं अजन्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं अकाल मूरत हूं। अतः आप विचार कीजिए, श्री कृष्ण तो शरीरधारी देवता हैं, उन्हें तो चर्म चक्षुओं द्वारा देखा भी जा सकता है, उनका जन्म भी मां के द्वारा हुआ, उन्होंने कर्म भी किए, शिक्षा भी प्राप्त की और उनकी मृत्यु भी हुई। तो फिर विचारणीय बात यह है कि उपरोक्त वाक्यों का उद्घोष करने वाला वो कौन सत्ता है। वास्तव में श्री कृष्ण, केशव, जनार्दन आदि नाम ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के ही गुणवाचक व कर्तव्यवाचक नाम है। कृष्ण अर्थात आकर्षण मूरत, आनंद स्वरूप। केशव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सृष्टि का कार्य कराने वाला। जनार्दन अर्थात जनता की प्रार्थना स्वीकार करने वाला। अभी आपको हम स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के रथ पर सारथी श्री कृष्ण का रहस्य क्या है। अर्जुन अर्थात ज्ञान का अर्जन करने वाला, प्रथम श्रोता। रथ अर्थात शरीर, शरीर को आत्मा का रथ व वस्त्र भी कहा गया है, जिसके पांच घोड़े अर्थात पांच कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, हाथ आदि। सारथी अर्थात एक ही रथ पर दो आत्माओं का सवार होना। निराकार परमात्मा शिव एक अनुभवी तन अर्थात रथ में प्रवेश कर ज्ञान प्रदान करते हैं। जिस तन का आधार लेते हैं उनको ही ब्रह्मा, अर्जुन या भागीरथ कहते हैं। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। इस पर एक कहानी भी हमारे भक्ति मार्ग के शास्त्रों में सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि शिव की जटाओं से ज्ञान गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और भागीरथ उसे पृथ्वी पर लेकर आए, जिससे पतित मनुष्यों को पावन बनाने का कार्य किया गया। इसका भावार्थ यही है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा की ललाट में बैठकर जो ज्ञान देते, उस ज्ञान जल से, उस ज्ञान अमृत से विषय विकारों द्वारा मृत समान आत्माओं को पुनर्जीवन मिलता, पतित आत्माएं पावन बनती हैं। इसके लिए भगवान के महावाक्य भी हैं कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होकर नई सृष्टि की रचना करता हूं। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। गीता ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा दिए जाने के संदर्भ में यहां पर एक बात और हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि सत्युग के प्रथम राजकुमार जो बहुत ही आकर्षण मूरत होते हैं, उनका नाम भी कृष्ण दिया जाता है। कृष्ण माना आकर्षण मूरत। परमात्मा का नाम उस आकर्षण मूरत बच्चे को दिया जाता है। वैसे भी वो आत्मा नेक्स्ट टू गॉड ही होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा जो प्रथम जन्म में श्री कृष्ण होती है, वही आत्मा जब कलयुग के अंत में अपने अंतिम जन्म में पहुंचती है, उसी तन में परमात्मा शिव निराकार प्रवेश कर उनके द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं और उस आत्मा को ब्रह्मा नाम देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु उत्पन्न हुए और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। एक ही आत्मा द्वारा अलग अलग समय पर दो कार्य किए गए। गीता को
कृष्ण की माता भी कहा जाता है। गीता अगर माँ है तो पिता भी अवश्य होगा। वास्तव में परमात्मा पिता द्वारा गीता ज्ञान सुनाया जाता है और उस ज्ञान को कलयुग के अंत में सुनने वाली आत्मा ही सतयुग में प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। इसलिए गीता को कृष्ण की माता कहा गया है। अभी आपको हम एक खुशखबरी सुना रहे हैं कि शीघ्र ही निकट भविष्य में इस कलयुगी दुनिया के महापरिवर्तन के पश्चात श्री कृष्ण का जन्म इस भारत भूमि पर होने वाला है। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक आत्मा है। वे परम पवित्र हैं, इसलिए उनके पांव इस पतित सृष्टि पर पड़ नहीं सकते। उनके आने से पूर्व इसकी स्वच्छता, इसका महापरिवर्तन नितांत आवश्यक है। प्रकृति के पांचों तत्व संतुलित व सतोप्रधान बनेंगे, तत्पश्चात श्री कृष्ण का जन्म इस भारत भूमि पर होगा। आपने भक्ति मार्ग में कथाओं में सुना होगा कि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय पर होता है। जेल की सलाखों के पीछे उस समय आंधी, तूफान, बारिश, प्राकृतिक आपदाओं का अत्यंत प्रकोप होता है। अगर आज आप देखें वही दृश्य पुनः सृष्टि का हमारे सम्मुख आ चुका है। कलयुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि है। पूरा संसार विषय वासना, पापाचार, अत्याचार रूपी कंस की कैद में है। हर मानव आज अपने को जेल में अनुभव कर रहा है। आपने श्री कृष्ण के संदर्भ में एक कहानी और सुनी होगी जिसमें दिखाया है कि इस सृष्टि की महाप्रलय के पश्चात सागर में पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ पहला बच्चा श्री कृष्ण है। तो आज वही समय पुनः हमारे सम्मुख आ पहुंचा है। सतयुगी दुनिया के प्रथम महाराज कुमार पुनः इस भारत भूमि पर अवतरित होने वाले हैं। ओम शांति शांति। अभी हम गीता ज्ञान का उद्देश्य क्या है इस विषय पर जानेंगे। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करने का उद्देश्य है। आत्मा व परमात्मा के सत्य स्वरूप व कर्तव्यों को स्पष्ट करने का उद्देश्य है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान प्रदान करना गीता ज्ञान का उद्देश्य है। दैवी आसुरी संप्रदाय का अंतर समझाना, काम क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त कराने की विधि सिखाना, ये गीता का प्रयोजन है। गीता को द्वंद्व युद्ध शास्त्र भी कहा जाता है। इसे धर्म संग्राम भी कहा गया है। महाभारत अर्थात समूचे विश्व में युद्ध का वातावरण जो वर्तमान समय हम देख रहे हैं। महाभारत वास्तव में मनोविकारों के साथ युद्ध की कहानी है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र। अब यहां पर हम महाभारत के पात्रों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। पांडव अर्थात पवित्र विचार वाले मनुष्य, कौरव अर्थात बुरे विचार वाले मनुष्य। सभी पात्रों के नाम गुणवाचक व कर्तव्यवाचक हैं। जैसे युधिष्ठिर अर्थात मनोयुद्ध में स्थिर रहने वाला, दुर्योधन अर्थात दूसरों का धन उनका अधिकार छीनने वाला, धृतराष्ट्र अर्थात
अधर्म को देख आंखें बंद करने वाला पुत्र मोही मूर्ख राजा। अर्जुन को भी कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे अर्जुन, परंतप, बुढ़ाकेश, अर्थात ज्ञान सुनकर धारण करने वाला, तपस्वी, निद्राजी। गीता का भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मुझे याद भी कर। अब आप विचार कीजिए, याद करना तो एक ध्यान प्रक्रिया है जो शांत चित्त से बैठकर ही की जा सकती है। गीता में अर्जुन को बार बार युद्ध के लिए प्रेरित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य देह व देह के संबंधों में फंसकर काम क्रोधादि के आगे घुटने टेक देता है, उन पर विजय की आशा छोड़ देता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि तू ये धर्म युद्ध कर, कायर मत बन। इस धर्म युद्ध को जीतने के बाद ही तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। दूसरी ओर युद्ध में मित्र संबंधियों को मारने से क्या तात्पर्य है? वास्तव में उनके प्रति जो आसक्ति मोह है उसे नष्ट करने की आज्ञा गीता का भगवान देते हैं। गीता का अंतिम लक्ष्य भी यही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात देह, देह के संबंध, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा बनना और एक परमात्मा की स्मृति में टिकना। मामेकम शरणम व्रज, एक परमात्मा की ही शरण में जाना। मन मना भव मद्याजी भव, परमात्मा में ही मन लगाना। अतः यह प्रमाणित है कि गीता ज्ञान द्वारा हिंसक युद्ध की शिक्षा कदापि नहीं दी गई, वह संपूर्णतया अहिंसक मनोविकारों के साथ युद्ध की शिक्षा है। और अंत में गीता ज्ञान का एक मूल उद्देश्य, मुख्य प्रयोजन है परमात्मा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को राजयोग की शिक्षा प्रदान कर राजयोगी बनाना। गीता का भगवान कहते हैं कि राजयोगी अद्वेष्टि होता है, उसका सभी से मैत्री भाव होता है, सबके प्रति करुणा भाव होता है, वह निर्मोही, निरअहंकारी, क्षमाशील व सदा संतुष्ट होता है, वह दुख और सुख में समान होता है, ना स्वयं दुख लेता है और ना ही दूसरों को दुख देता है, वह अंदर बाहर पवित्र होता है, उसका चित्त सदा शांत व शीतल होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सभी में समान रहता है। अतः अंत में हमें आपको यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि वर्तमान समय महाभारत का समय चल रहा है। गीता का भगवान भी इस समय इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होकर